गौरव भाटिया बोलिए, ये तो आपके सहयोगी हैं, गठबंधन पार्टनर हैं आपके, अभय जी आ रहा हूं उसके बाद आपके पास, बोलिए गौरव भाटिया। देखिए, पहले तो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता का जवाब दे दूं, लगता है संविधान की जो जानकारी है इनको थोड़ी सी कम। और कुछ दिन पहले ही राघव चड्ढा जो इन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो यहाँ आके चैनल्स पे कह रहे थे, मेरे साथ भी एक चर्चा में, हमारी जान चली जाए, सारे आम आदमी पार्टी के लीडर और कार्यकर्ता जान दे देंगे, लेकिन हम लागू नहीं होने देंगे कानून। अब इनको जानकारी नहीं, ये कहते हैं केंद्र का कानून है तो कोई लागू नहीं। आतिशी जी, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है कानून जो है, बना सकती है पार्लियामेंट भी और विधायिका भी। और आपका जो नोटिफिकेशन है ना, उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि हम मंडियां जो है वो खोल रहे हैं। दूसरी बात, ये किसानों के हित क्या जाने रोहित जी? गजेंद्र सिंह एक बेचारा किसान था, उसका शव पेड़ से लटका रहा, 2 घंटे तक इनके भाषण चलते रहे, मतलब शव लटका रहा किसान का, इनके भाषण चलते रहे। तो ये आवाज चली गई गौरव जी, क्या है आप बताइए जी? रॉबर्ट वाड्रा और आजम खान समाजवादी पार्टी के किसानों की जमीन हड़प लेते हैं क्राइम मास्टर गोगो की तरह, और ये लोग आके कहते हैं हमारा कैरेक्टर, अरे अपने कैरेक्टर को जाके। दूसरी बात, कान खोल के आप भी सुन लीजिए, किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पिछ जाएगी उनकी जो। गौरव जी, गौरव जी माफी चाहते हुए आपको बीच में काटते हुए जरा एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये भी बात याद, मेरी बात सुन लीजिए, एक सवाल पूछ रहा हूँ सर। आज सुबह उठे जब देखा कितना घना कोहरा था दिल्ली में, देखा आपने क्या हालत थी, कितनी सर्दी पड़ रही है? सवाल पूरा करिए। उस स्थिति में देश के किसान अपने घरों को छोड़ के वहां सड़कों पर, कोई ट्रक के नीचे, कोई रोड पर, कोई फुटपाथ पर किसी तरीके से रात काट रहा है सर। आपको नहीं लगता कि आपको पहले मौके मिलते ही, पहला मौका मिलते ही पहले आंदोलन खत्म करवाना चाहिए, उसके बाद बाकी चीजें हो, किसको नीचा दिखाना है, किसको खालिस्तानी बताना है, किस राजनीतिक पार्टी को रोटी सेकने वाला बताना है, ये सारी बातें फिर हो सकती है। सुनिए रोहित जी, सबसे पहली बात देखिए, आपके पैनल पे एक इकोनॉमिस्ट भी है और वो विशेषज्ञ भी है कृषि, विजय सरदाना जी और एम एस स्वामीनाथन जी, इन्होंने क्या कहा, जो हमने बदलाव किए हैं वो किसानों के हित में है। अब बात आती है उन्हें समझाने की, तो आप भी मानेंगे 5 राउंड चर्चा हुई है, जरूरत पड़ी हम 2 राउंड और करेंगे, 3 भी और करेंगे, लेकिन कई बार जब कड़े कदम उठाए जाते हैं ना, तो उसमें कुछ लोगों को लगता है वो हित में नहीं है, उनको समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन ये आप भी मानेंगे, दशकों से जो निर्णय पड़े रहे और केवल राजनीति होती रही, अगर वो करके दिखाने का दम किसी में है तो श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार। आपने आतिशी की बात पर सवाल उठाया, वो जवाब देंगे, उसके पहले अभय दुबे जवाब दे, अभय दुबे जवाब दे लीजिए, फिर आतिशी आपके पास आ रहा हूं, बोलिए अभय जी। देखिए कितने बड़े अर्थशास्त्री हैं विजय सरदाना जी, देश के लोगों समझ लो। नॉन पेरिशेबल आइटम में उदाहरण देते हैं टमाटर का, विजय सरदाना जी बिहार में एपीएमसी एक्ट 2006 हुआ, 9000 केंद्र थे वहां, सेंटर उन 2000 में 1600 गेहूं उत्पादित होता है बिहार में 63 लाख मैट्रिक टन, दोनों प्योर हुआ सिर्फ 5000 मैट्रिक टन, 1000 जी आपके बीच में नहीं बोले ना, अभी लगातार हाथ ही उठा रहे थे केवल, आप भी बीच में मत बोलिए, विजय जी आपको भी पूरा मौका मिलेगा, जो बात को कह रहे हैं अगर वो गलत है तो आप दुरुस्त कर सकेंगे उसको। आखिरी दस सेकंड दीजिए। 2014 में मोदी सरकार ने सारे राज्यों को कह दिया कि समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस बंद नहीं किया तो अनाज खरीदना बंद कर देंगे। 2014 दिसंबर में जो सब लोग कानून लाए थे उचित मुआवजे का, भूमि का, उसको खत्म करने के लिए अध्यादेश लेकर आए। 2015 में क्या लिखा आप लोग, अपनी बार में क्या क्या कहते रहे, क्या क्या वादे करते रहे, और अब जैसे ही सरकार से बाहर हुए तो वो सब खराब बताने लगे। किसानों से चर्चा करने के बाद ही हम तय करते, स्टेक होल्डर के अलावा प्रतिपक्षियों को भी हम विश्वास में लेते हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं, जो बिहार का हश्र हुआ है, जो नाबार्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बिहार के किसान सबसे बदहाली की स्थिति में, मोदी जी हाथ जोड़कर प्रार्थना है वो अवस्था किसानों की, आप देश के मत कीजिए। बिहार बीमारू राज्यों में गिना जाता था या नहीं गिना जाता था? बीमारू उस समय कौन सा आप किसान को फसल के बदले सोने में पे करते थे? वापस आके पूछता हूं इस चीज को। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।